हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज का विषय है ब्लड प्रेशर। जैसे कि आप जानते हैं, हम अलग अलग रोगों पर घर से कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, इस विषय पर हम बात करते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के विषय में बात करने से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी बड़ी ज़रूरी है। जैसे कि मॉडर्न साइंस मानता है कि ये ब्लड प्रेशर की समस्या ठीक नहीं हो सकती। इसका एक सॉल्यूशन मॉडर्न साइंस के पास है कि पूरी ज़िंदगी रोज ये टैबलेट लेती रहनी है, डॉक्टर को दिखाते रहना है और समय समय पर उसके डोजेस डॉक्टर के हिसाब से और आपकी तंदुरुस्ती के हिसाब से ठीक किया जा सकता है। उसको बदलना पड़ता है जिससे आप ठीक रहे। पर दोस्तों, मैं आपके साथ आयुर्वेद की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो हमने पिछले 10 सालों में हमारी डॉक्टर टीम के साथ सैकड़ों पेशेंट पर इसे करके देखा है। दोस्तों, हम ये मानते हैं स्वास्थ्य प्रेमी परिवार और अभिक्षणा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की सारी डॉक्टर टीम ये मानती है कि ब्लड प्रेशर समस्या नहीं है, दरअसल शरीर में समस्या है इसलिए ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर दरअसल सिम्टम है, वो एक लक्षण है कि इन चीज़ों के कारण ब्लड प्रेशर है। अगर उन चीज़ों को ठीक किया जाए तो ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है। तो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 2-3 ऐसी बातें जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर 2 साल से है, 5 साल से है, 10 साल से है, 20 साल से है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अपनी मॉडर्न साइंस की एलोपैथी की मेडिसिन को शुरू रखें। साथ में आपको एक घरगत्थू नुस्खा शुरू करना है, बड़ा काम का नुस्खा है, हर कोई आदमी कर सकता है। आपकी एज कोई भी हो, आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कितनी भी पुरानी हो, फिर भी इस नुस्खे को कर आप अपनी ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को कहते हैं समुद्र स्नान, यानी कि समुद्र में नहाना। आयुर्वेद कहता है कि अगर कोई आदमी समुद्र में रोज नहाए तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। कई सारे दोस्त अभी ये सुनकर कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हमारे गाँव से, हमारे शहर से समुंदर तो काफ़ी दूर है, तो हम कैसे वहाँ पे नहाने के लिए जाएंगे। तो अगर आप समुंदर के पास नहीं जा सकते तो एक युक्ति है जिससे आप समुंदर को घर पे बुला सकते हैं। जी, बड़ा आसान है। आप जैसे जानते हैं कि समुंदर की सतह के ऊपर जब सूर्य प्रकाश गिरता है तो वहाँ से जो पानी है वो बाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, बादल बनते हैं और वो पानी फिर आपके घर बारिश के रूप में बरसता है, जो पानी आपके घर पर है। और जब पानी समुंदर का चला जाता है तो छोड़ के जाता है नमक। जी, तो हमें घर पर समुंदर बनाने की रेसिपी पता चल गई। आप नहाने जब जाए तब एक बाल्टी पानी लीजिए और एक बाल्टी पानी में आप 2-3 चम्मच नमक डाल दीजिए, तो आपके पास एक बाल्टी समुंदर तैयार हो गया। आपको इस बाल्टी समुंदर से नहाना है, इसके बाद आप अच्छे पानी से भी नहा सकते हैं। अगर आप दिन में 2 बार नहाते हैं तो आप 2 बार इस पानी से नहा सकते हैं, 2 बार यूं कहे समुद्र स्नान कर सकते हैं। इसको शुरू रखिए, 5-5 दिन में आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते रहे, आप अपने फैमिली फिजिशियन से ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहे और कुछ ही समय में 1 महीने के अंदर, 2 महीने में अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर आपके डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपको मेडिसिन कम करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है। दूसरी एक बड़ी अच्छी युक्ति है जिसको आप इन्हीं इस नुस्खे के साथ कर सकते हैं और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन ये नुस्खा तो इतना अच्छा है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी अगर करे तो बड़ा जल्दी ही उसके अंदर और स्वास्थ्य पनपना शुरू हो सकता है। दोस्तों, ये दूसरा नुस्खा है एक अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में। वो अद्भुत जड़ी बूटी का अगर रस पिया जाए तो ब्लड प्रेशर ठीक होता है, कैंसर में फायदा करता है, एसिडिटी की समस्या को ठीक करता है, शरीर में जिनकी गर्मी बढ़ी हो ठीक हो जाती है, आपका पेट ठीक रहना शुरू करता है, आपकी आंतें ठीक रहना शुरू करती हैं। बहुत ही लाभकारी एक जड़ी बूटी है, पर दुर्भाग्य ये है कि ये जड़ी बूटी हर घर में पाई जाती है
तो हम इस जड़ी बूटी की कोई खास इज्जत नहीं करते। अगर यही जड़ी बूटी हमें 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में कहीं मिलती होती वो किसी फार्मेसी से, किसी डॉक्टर से, तो फिर इसकी वैल्यू और ज़्यादा होती। और ऐसे कई सारे फ्रूट्स, कई सारी जड़ी बूटियाँ आज हज़ारों रुपये में 60 कैप्सूल, 90 कैप्सूल मिलती है और हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग उसे खरीदते हैं और खाते हैं। तो ये जो जड़ी बूटी है जो काफ़ी महंगी है पर हमारे घर में है, सस्ती सी, जिसके गुणगान करना काफ़ी मुश्किल है, उतनी कीमती जड़ी बूटी हमारे घर में है सस्ती सी, और उस जड़ी बूटी का नाम है लौकी। जी, अगर लौकी का जूस कोई आदमी पीना शुरू करे तो सिर्फ 3 दिन में उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव होना शुरू हुए हैं। वो हिपेटोप्रोटेक्टिव है, जिससे उनका लीवर ठीक होना शुरू हो जाता है, उससे आपके पित्ताशय की काफ़ी सारी समस्या यानी कि गॉल ब्लैडर की समस्या ठीक होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट ठीक रहे तो लौकी सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरी बात है, लौकी बेसिक है, लौकी अल्कलाइन है, जिससे आपके शरीर की पीएच भी मेंटेन होती है। तो अगर आपने 2 चीज़ें कर ली तो फिर आप अपने ब्लड प्रेशर से निजात पा सकते हैं। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन पता हो, अगर आपकी प्रकृति पता हो, तो हम आपको और बेहतर कुछ हम बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहे और बेहतर कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहे तो हमारी डॉक्टर टीम के साथ आप मिल सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें करने के पीछे कारण ये है कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट, इतनी जल्दी से ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हमारे समाज में बढ़ रहे हैं कि कुछ समय के बाद, कुछ साल बाद हमें ऐसा परिवार खोज पाना मुश्किल हो जाएगा जिस परिवार में ब्लड प्रेशर का पेशेंट ना हो। अगर आपके परिवार में किसी को भी ब्लड प्रेशर है, आप इन 2 नुस्खों को आजमाइए, जल्दी से ठीक हो जाइए और हमें इसके बारे में जानकारी दे और फिर और लोगों को बताइए और जल्दी सब लोग स्वस्थ हो जाए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट।